हम लोगों ने आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि बिहार को बजट में जो एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका वन नेशन वन टैरिफ, इन सारे चीज़ों के लिए उनसे आग्रह किया। हम लोगों ने बजट में ये चाहा है कि उड़ान योजना के माध्यम से बिहार में कई एयरपोर्ट्स उन्होंने बनाने के निर्देश दिए हैं, चार हमारे स्वीकृत किए हैं, हम पांच और चाहते हैं कि बिहार में सभी जगह सभी प्रमंडलों में एक एक एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाए। आरजेडी लगातार नीट पेपर लीक को लेकर के आक्रामक दिख रही है, आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े कर रही है, तस्वीर के ऊपर भी सवाल उनकी तरफ से किया जा रहा है। सार्वजनिक मंच पर लोग आते हैं और सार्वजनिक, मेरा कोई उनसे कोई रिश्ता नहीं है, ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी ने फोटो खिंचाया होगा, स्पष्ट है इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और बिहार सरकार की पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए थे कल और वहां पे देश के वित्त मंत्री के साथ मीटिंग थी और बिहार को लेकर के जो अपनी मांगों थे वो रख रहे थे। इसी क्रम में जब उनसे सवाल किया गया कि बिहार के लिए क्या क्या मांग रखे हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुने। हम लोगों ने आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि बिहार को बजट में जो एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका वन नेशन वन टैरिफ, इन सारे चीज़ों के लिए उनसे आग्रह किया। विशेष तौर पर मनरेगा वगैरह का पैसा जो है हमको मिले तो पूर्ण रूप से भारत के विकास में बिहार का एक बड़ा योगदान है, इसलिए हम लोगों ने बजट में ये चाहा है कि उड़ान योजना के माध्यम से बिहार में कई एयरपोर्ट्स उन्होंने बनाने के निर्देश दिए हैं, चार हमारे स्वीकृत किए हैं, हम पांच और चाहते हैं कि बिहार में सभी जगह सभी प्रमंडलों में एक एक एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाए। सर बिहार जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें कुछ जीएसटी काउंसिल में पूर्ण रूप से जो देश में विवाद होते हैं उनका निपटारा करने का काम पूरे देश के लोग सहमति देते हैं, तो ये सारे चीज़ों पर चर्चा हुई है। और जीएसटी काउंसिल में अब आगे के दिनों में रेट फिक्सेशंस वगैरह के लिए बैठक करना है तो वो भी हम लोग जुलाई अगस्त में करेंगे। सर आरजेडी लगातार नीट पेपर लीक को लेकर के आक्रामक दिख रही है, आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े कर रही है, आपकी तस्वीर के ऊपर भी सवाल उनकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए राजनीतिक तौर पर सार्वजनिक मंच पर लोग आते हैं और सार्वजनिक, मेरा कोई उनसे कोई रिश्ता नहीं है, ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी ने फोटो खिंचाया होगा, स्पष्ट है इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और बिहार सरकार की पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, एक एक लोगों को नोटिस और घर पर छापामारी करने का काम किया जा रहा है, आगे जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी आपको सूचना दिया। और लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक महत्वपूर्ण कानून बनाकर 10 साल तक की कठोर सजा और फाइन भी करने की व्यवस्था किया है, इसलिए ये कठोर कानून आने के बाद इन सारी चीज़ों पर चेक लगेगा। तो पीएस का भी नाम आ रहा है इसमें, जांच चल रहा है, जांच की कार्रवाई बिहार पुलिस कर रही है। तो आपने सुना उनका कहना था कि देखिए हमने जो है कई मांगे रखी है, वहीं पे वित्त मंत्री ने चार एयरपोर्ट के लिए स्वीकृति दे दी है और हम पाँच और एयरपोर्ट मांग रहे हैं और कई ऐसी डिमांड है बिहार के लिए जो देश के विकास में काम कर सके। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।